तीन दिन से एक ही ख्वाब भाबड़ मुझे क्यों तंग कर रहा है? कहाँ गया था मैं? ये धुन, ये बर्फ में ढके हुए पहाड़, मेरे दोस्त, मेरे यार, कहाँ था मैं? कुछ मुझे याद तो आ रहा है। मालम जब्बा, यस मालम जब्बा, ये मालम जब्बा मैं, पर वहाँ पे पहुंचा कैसे? कहाँ जा रहे हो? मालम जब्बा सी चल रही है, मैं दान खाली उन मालम जब्बा ते हेगियां ने बर्फा हुन वे एक दिन नाल मेरे पार्टनर ते भाई हुन असी खरीदे नवे बूट उन्हें करेंगे सानू सूट। किसो की टिकट है भाई, ले लिया हमने चेयर लिफ्ट, सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल है। लेट्स गो, ये चेयर लिफ्ट मालम जब्बा, वाह। अभी हम जाएंगे ज़िपलाइन, जो सबसे लंबी ज़िपलाइन है पाकिस्तान के अभी तक की, मालम जब्बा में। वो पीछे हमारे, वो पीछे हमारी टीम आ रही है। हाथ लाओ, नहीं हम तो रेड कार्ड की बैठे हुए थे, इधर उधर ये जो है ना बंदा, ये बाबा में ड्राई जा रहा है कुछ है कुछ कह के। चलो भाई करना क्या है, ऊपर कर लो स्कॉट के अंदर से पैर उठा जी। अच्छा सर, इतरो सेट सेट पे उतरो, साइड पे उतरना, साइड पे, साइड पे, साइड पे। कोड़ा पार्टी चल रही है। अच्छा मेरे बगैर ये भी कर लेते यार, क्या बात है पकौड़े की मलंग में आला लाल। मालम जब्बा टॉप चाय, क्या सवाल है, साथ पकौड़े। फुल सीन ऑन हो गया यहाँ पर, पकौड़ा पार्टी चलने शुरू हो गई है। पकौड़ा तो वापस कर दो, पकौड़े लेवल लेवल है, इतनी ऊंचाई पे पकौड़ी तो मजे के हैं। थे भी चा 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 ये भी चा, चोलो मोल दे, पोलो पोल दे, मोलो मोल, छोले खा, छोले खा, छोले खा। माइनस टेंशन ये सामने है, चला के टैग किया मेरे पे। आप फोन कर रहे सांबा, यूं बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए तेरी नजदीकियों की खुशी
बेहिसाल थी। क्या बात है यार, कहता वर्थ अ शॉट यार, क्या व्यू है। सीरी बनाओ वीडियो, रेडी हो गए जेपलाइन के लिए। बेस्ट सीन है गो विद द ग्लोरी नमान भाई। मालूम जब्बा, मालूम जब्बा जेपलाइन, लेट्स गो, लेट्स गो, रॉक रॉक इट, कम ऑन रॉक स्पीड। डरना नहीं है, बस स्ट्रेट रहना, कुछ नहीं होता। मजा आया, ये देखें ये काफी लंबी जिप लाइन है मालूम जब्बा पर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। ये सामा भी कर चुके आ चुके हैं जबरदस्त, और ये मेरा भी था, मैंने भी किया भाई, और मैं भी आ चुका हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। खान साहब की भी लेके आओ, ये खान साहब है जो सबको यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। Up in me, bring it back with her. Yes, I've been wasting like most of my life watching paintings dry. क्या नाम है आपका? आपको क्या नाम है? मेरा नाम सनाउल्ला। ओके, अभी हम सनाउल्ला के साथ हूँ, और ये मेरा रोड के गिरा है। इधर कोई मैं चार पांच दफ़ा गिरा और बड़ा मज़ा आया गिरने का, एंड पे हमने एक स्टंट मार ही लिया और फिर डांस शुरू कर दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। और पीछे गाना लगा हुआ था, एक बैंड लगा हुआ था बड़ा अच्छा, और उसने काफ़ी एंटरटेन किया। चलो हम आपको मिलाते हैं सुपरस्टार से, सुपर गर्ल जो यहाँ की सबसे ज़बरदस्त स्की करती है। आपका नाम क्या है? जुबीद है। जुबीद है, आप स्की करते हो, आप उसके चैंपियन हो यहाँ पे मालूम जबा में, माशाल्लाह। लो पार्टनर, ये वो लड़की है जो 8 इयर्स ओल्ड है, उस बीद इसका नाम है, और ये मालूम जबा की चैंप है। वाओ, क्या व्यू है यार, कपड़े
मतलब लाहौर से आया था मैं मालम जब्बा, पर मैं मालम जब्बा तो मुझे सब याद आ गया, लेकिन मैं लाहौर से मालम जब्बा कैसे आया, मालम जब्बा से पहले मैं कहाँ था? ओ ये सवात सब याद आ गया मुझे, मैंने लाहौर से सफ़र शुरू किया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम लाहौर ठोकर न्याज बेक में और मिट्टी खा रहे हैं, सामने बबल मिट्टी दे रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं सवात मालम जब्बा। ये भी छोटा भाई भी हमारे साथ, मेरे साथ है अरसलान, उसामा, बिलाल, यो मिस्टर हनी फ्रॉम यूएई। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे। रास्ते में रुके सुसु करने के लिए और अभी 4.5 घंटे का रास्ता बाकी। अभी हम हैं मंगोला और अभी हम 2-3 जगह पर जा रहे हैं, वाइट पैलेस, सवात लेक और एक और जगह। लेट्स गो गाइस, मंगोला एक्सप्लोर करते हैं। ये आ रहे हैं मिस्टर नमान महमूद, ये आ रहे हैं मिस्टर बिलाल शेख द रैपर, ये आ रहे हैं नमान महमूद दुबई गए, ये आ रहे हैं उसामा पहलवान। ये है मंगोला, स्माइल करो, स्माइल, हंस के दिखाओ ना, हंस के भाई बड़े गुस्से में हो, स्माइल। हाँ गुड, अच्छा जबरदस्त, वहाँ से बोरियाँ लाता है, फिर पत्थर ये हारों में लगता है, गुत्तों में लगता है, अच्छा जोरात में लगता है। बनाया था व्हाइट पैलेस, ये सब शोधे चाय की तरफ देख रहे हैं। शरबत ले, व्हाइट पैलेस की व्हाइट चाय, दूधी दूध है पर पी के देख ले तो पी लो, इसमें है तो पी के देख, इसमें है वो चाय ठंडी है, जूस ला दे दो। ये जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट पैलेस है, हम उसके बैक साइड पर आए हुए हैं, हमने सुना था ये व्हाइट पैलेस है, व्हाइट पैलेस है, हम सुन के आगे बहुत बड़ा पैलेस होना, अच्छा असी आया तो सची देखिया है, ऐसे निके है जब पैलेस ही है, पैलेस ही है, पैलेस भी नहीं कह सकते हैं, पैलेस ही क्या सकते। आपको व्हाइट पैलेस कैसा लगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, व्हाइट पैलेस की हमें समझ नहीं आई। आपको ही समझ नहीं, बस व्हाइट कलर हुआ उस पर और कुछ समझ नहीं आया, टाइम नहीं जाया करना चाहिए क्या हमें व्हाइट पैलेस आके समझ आई, मुझे समझ आई। मैं आपको बताता हूँ व्हाइट पैलेस की हिस्ट्री, ये व्हाइट पैलेस जो आप देख रहे हैं ये आम पैलेस नहीं है, ये 1940 में तमीर हुआ था और ये बनाया था उस ज़माने के किंग ने जो स्वात का किंग था, मिस्टर अब्दुल वदूद। हाँ जी, ये वदूद साहब है, मियां गुल अब्दुल वदूद। आम पैलेस नहीं है, इस पैलेस को बनाने के लिए
तीन तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। एक आगरा से पत्थर आया था, ख़ास तौर पर वाइट आगरा से ताजमहल का बना हुआ है वहाँ से पत्थर आया था, और जो ब्रॉन्ज है जिसमें लगा था वो बेल्जियम से आया था, और इसके अंदर डिज़ाइन जो था वो तुर्की से आया था, और फिर ये बनना था और कंप्लीट हुआ था 1941 में। इसका जो पहला नाम रखा था वो ताजमहल रखा गया था, बाद में इसका नाम चेंज होके वाइट पैलेस पड़ा। और ये कोई आम पैलेस नहीं है, इसमें ख़ास तौर पर किंग और क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो भी तीन दिन के लिए यहाँ पर रुकी थी 1961 में। तो आप इसको आम पैलेस ना समझें। उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कैसा है स्वाद का सिट्टा? वापसी का सफर हमने शुरू किया होटल की तरफ, और हमने सवाद म्यूजियम देखा, एक जगह और देखी, और फिर रात का माहौल बना। अखा तू बहाए मैंने अथरू बथेरे, जदों मुक गए सारी तेरी याद दे सहारे, मैंने दिन गुजारे लभदे अपने आप नू, मैंने पीदी शराब दे मैं पींदा वा शराब नू, बैठा हूं देखा खाली बोतला शराब दी, रात रुकावदा गलतियां मेरे आप दी, पहला रब बनांदा फिर पांदा वे अजाब, जिंदगी दी मौत दा रखदा हिसाब, लगी हाथ चिरान दे जीवे साड़ी किताब, खाब रह गए खाब थे आप, ओही जिंदगी मेरा एक असूल, नहीं वजदा कसूर मेरी जीत तेरी हार विच साड़ा की कसूर होने। अभी हम सवाल के एक लोकल रेस्टोरेंट में हैं, और यहाँ पे बॉनफायर के साथ सिंगिंग चल रही है। अभी हम होटल से निकल रहे हैं, सवाद होटल से मंगोला से टूवर्ड्स मालम जब्बा। ये है मेरी कहानी कैसे मैं मालम जब्बा पहुंचा। चाहता हूं कि दोबारा कोई ऐसा टेलीपोर्टेशन का सीन हो और मैं दोबारा चला जाऊं। कितने स्लो कितने मजे से चल रही है ट्रेलर, रुक के बैठे हैं हम। बोले ने भाई हम जल्दी आ रहे हैं, टाइम पे पहुंचोल है, टाइम पे आ गए हैं। देखिए इसका चेहरा, ये तो कहता कुछ भी मिल जाए खा लूंगा। चल खा लेगा फिर ये के तो प्लान था, सबसे पहले इसको पकड़ो जो साथ थे, तेरे ने कहा इनका तो प्लान था, मैंने तो प्रोसीड किया था।
किसके बारे में बोल रहे हैं आप? बिलाल वीडियो है। चलो इजी हो क्या ना दादा, टेंशन ना लेना, कुछ नहीं होता है। आजो आजो ये तो मेरे